अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण जमान और आज हम मौजूद हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। मौजूद हैं हम एक्साइज टैक्सेशन ऑफिस इस्लामाबाद में और ऑफिस में हम मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है आपका दिन आज? ज़बरदस्त, बस आपको पता है यहाँ पब्लिक डीलिंग है तो बस साथ साथ चल रही है और हमारी तो कोशिश है कि जितना मैक्सिमम हम अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करें, उनके डोर स्टेप पे करें और जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं तो उसमें हम लगे हुए। ठीक है सर, इन सब चीज़ों पे डिटेल में हम बात तो करेंगे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कितने हैं और बेसिकली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बेसिक यहाँ पे काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि यहाँ पे आपकी जो जॉब है, जो काम है बींग डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, वो क्या है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने पब्लिक के लिए जो है अभी क्रिएट किए हैं अपने टेन्योर में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एक्साइज का जो ऑफिस है हमारा, यहाँ पे हम पब्लिक फैसिलिटेशन और टैक्स रिकवरी पे काम कर रहे हैं और टैक्स रिकवरी पे हमारे पास जो हमारी एक मेन डोमेन है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र है। मतलब ट्रांसफ़र मींस कि जितने भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ हैं और इसके अलावा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, प्लस प्रॉपर्टी डीलर्स, मोटर व्हीकल डीलर्स की रजिस्ट्रेशन है, रिकवरी ऑफ प्रोफेशनल टैक्स है, होटल्स से हम बेड टैक्स लेते हैं और इसके अलावा टोबैको की रोकथाम पे हम काम करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारी एरियाज़ है जिस पे हम काम करते हैं और कोशिश हमारी यही है कि जितना मैक्सिमम हम इसमें टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने शहरियों को डोर स्टेप पे फैसिलिटेट कर सकें। सर ये बताइएगा कि पहले कैसे यहाँ पे काम चल रहा था और अभी चूँकि आपका जो टेन्योर है, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ इस्लामाबाद में और अब आपने यहाँ पे आके क्या क्या रिफॉर्म्स किया, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जो कि पब्लिक के लिए ज़्यादा ईजी हो रहा है टैक्सेशन और एक्साइज उसको मैनेज करने? जी बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं तीन साल हो गए डायरेक्टर एक्साइज के होते हुए, तो मैंने अपने टेन्योर में ट्राई की है कि हम जितना मैक्सिमम पब्लिक को फैसिलिटेशन थ्रू टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये है कि हमने सबसे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टार्ट की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए, और वो ये एक्टिविटी इस तरह है कि मतलब पहले हम अपने बंदों को कहते थे कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए ऑनर की प्रेजेंस जो है वो इंश्योर कराएँ, तो उसमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन का एक रोल था, अथॉरिटी थी। तो ये वाली चीज़ हमने इस तरह कर दिया कि आउटसोर्स टोटली कर दिया। नादरा की जितनी भी ई सहूलत सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री, उस पर हमने ये फैसिलिटी दी। अब कोई भी व्हीकल ऑनर जो है वो चाहे कराची में है, लाहौर में है, वो उधर से ही अपना बायोमेट्रिक करवा के गाड़ी अपनी इस्लामाबाद रजिस्टर करवा सकता है। और आप मेरा ख्याल है कोई ऐप भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है जिसके थ्रू बहुत इजी हो गया ये काम अब पब्लिक के लिए, तो उस ऐप के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा हमारे आवाम को भी कि कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे उस फैसिलिटी को अवेल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो जो मोबाइल ऐप है वो तो बड़ा सिंपल है और आपके तवसत से मेरे जनरल पब्लिक तक पैगाम भी है कि ये है सिटी इस्लामाबाद ऐप है, ये कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, चाहे वो आईफोन यूज़ कर रहा है या एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप गाड़ी के कोई भी एक्टिविटी टोकन टैक्स के हवाले से, तो अब आपको एक्साइज ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह पहले आप एक्साइज ऑफिस आते थे टोकन टैक्स के लिए, आपका पूरा दिन यहाँ पर ज़ाया होता था, तो अब आप इवन अपने रूम में जो है वो गाड़ी के टोकन टैक्स जमा करा सकते हैं। आप सिंपल अपना मोबाइल उठाएँ और उससे आप अपना टोकन टैक्स जो है वो सिटी ऐप के थ्रू जमा कराएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऐप के थ्रू बहुत इजीली आप घर बैठे जो है अपने काम बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो इशू है जो हमने भी यहाँ आते हुए देखा कि यहाँ पे एक तो रोड पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, फिर अंदर आके भी यहाँ पे पब्लिक रश बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा सर ये बताइएगा कि टाइमिंग का आप लोगों ने कैसे मैनेज किए कि अगर मॉर्निंग में कोई काम नहीं हो पाता तो उसको इवनिंग में किया जा सकता है, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली आपका ये जो क्वेश्चन है वो उसका मैं दो तीन एंगल से जवाब दूंगा। वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम अपने शहरियों को इस्लामाबाद के डोर स्टेप पे भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और आपके थ्रू मेरा ये पैगाम है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए जनरल पब्लिक जो है वो घर बैठे गाड़ी रजिस्टर कर रहा है। वो सिंपल हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करें और वेरी नेक्स्ट डे हमारी टीम उनके घर जाके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का या ट्रांसफ़र का जो भी प्रोसेस है तो वो कम्प्लीट कर देंगे। तो सपोज़ यहाँ पे तीन बड़े काम हैं गाड़ियों के हवाले से, एक या तो किसी बंदे ने गाड़ी न्यू रजिस्टर करनी है या गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है या उन्होंने टोकन टैक्स लगाना है,
तो वो टोकन टैक्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मोबाइल ऐप के थ्रू है, और रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की हम ये वाली फैसिलिटी डोर स्टेप पर भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा यहाँ पे हमारे प्रेमिसेस में आ गया तो अभी आपको दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे पूरे एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में जिस तरह होता है हमने वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ऑफ़र की हुई है। वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कोई भी शहरी जो है वो वन विंडो के ज़रिए अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूमेटिक सिस्टम है, क्यूमेटिक सिस्टम से उन्होंने जस्ट अपना टोकन लेना है और अपने बारी का इंतज़ार करना है, और विद इन 10 to 15 minutes जो है वो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र वाला काम कर सकते हैं। और जहाँ तक ऑफिस टाइमिंग की बात है तो ये वाली फैसिलिटी तो हम ऑफिस टाइमिंग में दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई शहरी जो है वो दिन को फारिग नहीं है तो शाम को हमारी टीम जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों में अवेलेबल होती है, और वहाँ पे आप ऑन रोड या विद इन पार्क्स जो है अपनी गाड़ी का कोई भी जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये एक न्यू सोच के साथ हम गए हैं कि अगर सपोज़ आप दिन को यहाँ पे ना सकें तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं आपकी कन्वीनियंस वाले प्लेस पे। सपोज़ आप जॉगिंग कर रही हैं फैमिली के साथ है, उधर ही आप अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, काफ़ी रिफॉर्म्स आप लेकर आए अपने टेन्योर में। सर ये भी बताइएगा कि इसके अलावा जो इस्लामाबाद के जितने भी होटल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा कि उनसे भी आप उनको भी डील कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स का आपने मुझे थोड़ा सा बताया, उस पर थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी, जिस तरह हमने ये गाड़ियों के हवाले से सारी चीज़ें ऑनलाइन की हुई है, इसी तरह हमारे जितनी भी बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। सपोज़ हमारे होटल्स के हवाले से जितना भी काम है उसमें हमने इंटरफेस शेयरिंग की है, होटल्स के साथ जितनी भी रिकवरी है उसमें ठीक ठाक डिफरेंस आया है। ठीक है, अगर पहले एक हमारी रिकवरी कुछ लाखों में थी तो वो अब करोड़ों में हमारी पर मंथ की रिकवरी है। तो उसका इम्पैक्ट जितनी भी, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जब आप अपने पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं और आप टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन के फॉर्म में भी पड़ता है। और उसका बेहतरीन सबूत ये है कि हमने, अगर आज से 3-4 साल पहले हमारी रिकवरी जो थी वो 4-5 अरब थी, तो अभी पिछले साल ये जो ईयर क्लोज़ हुआ है इसमें मोर देन 19 अरब से ज़्यादा रिकवरी हमने की है। तो रिफॉर्म्स के बाद हम अपने रेवेन्यू जनरेशन में 300% इंक्रीज़ लेके आए हैं, जो कि एक सबूत है कि जब आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं तो हमारे लोग टैक्स देते हैं वंस यू फैसिलिटेट देम। तो अगर आप फैसिलिटेशन उनके डोर स्टेप पे ऑफर करें, उनको फैसिलिटेशन डोर स्टेप पे दें, तो लोग टैक्स नेट में आते हैं और टैक्स जनरेशन का इम्पैक्ट जो है वो इतना पड़ता है कि इवन हमने 300% इंक्रीज लेके आए हैं। सर अब काफ़ी जो है वो आप इसको इजी कर चुके हैं सारे प्रोसेस को, तो अब आपको पब्लिक रिस्पांस कैसा लग रहा होता है, जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका रिस्पांस अब कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है? बिल्कुल, हम जब ये मैंने बात की कि जब हम ये सारे रिफॉर्म्स लेके आए तो उसके बाद जो है टोकन टैक्स के रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हाँ, वो लोग ऑटोमेटिकली जमा कराते हैं, क्योंकि जब आप मोबाइल ऐप के थ्रू एक बंदे को ऑफ़र कर रहे हैं तो वो जमा कराते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती थी कि लोग गाड़ी लेते थे उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कराते थे, मतलब कई सालों तक वो ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे चलती रहती थी। अब हमने जब से बायोमेट्रिक का रिफॉर्म लेके आए हैं, बायोमेट्रिक में हमने 2 मंथ्स की एक्सपायरी डेट रखी है। अब अगर सपोज़ आपने गाड़ी परचेज़ की तो यू आर बाउंड टू ट्रांसफ़र यूअर व्हीकल विद इन 2 मंथ्स, अगर आप उसमें नहीं कराएगी तो आपके बायोमेट्रिक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन में इस तरह बढ़ा कि अगर पर डे हमारे पास 150-200 गाड़ियाँ ऑन एवरेज ट्रांसफ़र हो रही थी तो अब कम से कम मोर देन 800 up to 1000 गाड़ियाँ ऑन एवरेज हमारे पास पर डे ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब गाड़ियाँ बार बार ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन में भी है। लाइन फोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी ईजी है कि जब ऑनर बार बार उसमें अपडेट होता है, ठीक है, तो वो मतलब उनके लिए भी लेटेस्ट ऑनर जो लास्ट ऑनर होता है उन तक रसाई जो है ईजी होती है, और उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन में भी आ रहा है। सर ये भी बताइए, तो सारा आपके काम से रिलेटेड, आपकी जॉब डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड हमने बात कर ली, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे मेंटेन करते हैं अपने काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को, और बेसिकली आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, स्पोर्ट्स में, मतलब बिसाइड आपका सारा जो तक काम है उसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? जी बिल्कुल, बस एक्चुअली ये पैशन जो है पब्लिक डीलिंग का
तो यहाँ पे बंदे की मोटिवेशन यही होती है कि जब कोई भी आप काम करें उसका इम्पैक्ट जब आपको नज़र आए तो बंदा और मोटिवेट होता है कि और हम पब्लिक डीलिंग का काम थोड़ा मुश्किल भी बहुत होता है, स्पेशली अगर हम देखें हमारी पब्लिक को डील करना, उसको कैसे हैंडल करते हैं। समटाइम्स अगर आपको किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए या किसी चीज़ को आप बहुत किसी के बिहेवियर पर आप बहुत सीरियस हो जाएँ तो उनको उसको कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, वो शुरू शुरू में हमें आता था लेकिन यह है कि हम जब यूज़ टू हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको इंसान की नेचर को देखें तो आप दुनिया में जितना कुछ गेन करते हैं, ठीक है, आखिर में जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके इनर सेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है। तो हमारी तो खुशकिस्मती से जॉब भी ऐसी है कि एक तरफ से जॉब भी है और दूसरी तरफ से जब आप पब्लिक फैसिलिटेशन या किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट जो है वो आपके इनर सेटिस्फेक्शन में भी आता है। बाकी पर्सनल लाइफ में तो यही है कि हमारी ऑफिस की रूटीन बिजी होती है यहाँ पे पब्लिक, और उसके बाद भी हम जो कि रिकवरी ऑफ डिफरेंट टैक्सेस हैं लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, कोई 1.5-2 घंटा जिम जाते हैं डेली, ठीक है, वहाँ पे एक्टिविटी एक ये हमारी डेली की है तो वो एक अच्छा, उससे बंदा रिफ़्रेश हो जाता है, आप जो मेंटल आपके वो बर्डन्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और वंस जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो बंदा बिल्कुल ही रिफ़्रेश होके आ जाता है। मतलब अगले डे के लिए आप एक दोबारा से रिफ्रेश होते हैं। और ये भी बताइएगा कि स्कूल में कॉलेज में आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी और कैसे स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा लाइक थे या बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग थे या बहुत ही रिलैक्स थे, आपको फ्यूचर का कुछ गोल आपने सेट नहीं किए थे या पहले से सोचा हुआ था कि नहीं मैंने कोई पब्लिक डीलिंग वाला काम करना है, पब्लिक सर्विस वाला काम करना है। बचपन से तो ये है कि जिस तरह हम बच्चों के दिमाग में बैठा देते हैं तो हमारे भी दिमाग में बैठा हुआ था कि हमने डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो ये तो एक चीज़ थी जो कि एक गलत चीज़ है कि मतलब आप बच्चों को छोड़ दें कि वो जो भी उनकी है डायरेक्शन वो बात। और मोस्टली अगर हम देखें बचपन में जो पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है कभी हम नहीं देखते कि मोस्टली लोग वही बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बचपन से वो या तो टीचर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या वो आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो टोटली ऑपोजिट फील्ड में आ जाता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? जी, मैं तो एक्चुअली हाँ FSC में यही था कि डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद फील्ड थोड़ी सी चेंज हुई, मैं IT वाली फील्ड में आया, उस टाइम IT करने आया था और मैंने मास्टर किया IT में, और फिर उसके बाद जो है जिस तरह अब ये एक डिपार्टमेंट है तो उसमें एजुकेशन का वो वाला रोल जो IT की मेरा वो बैकग्राउंड है वो आपको नज़र आ रहा है कि वही IT को जब मैंने इस डिपार्टमेंट में इसके डिपार्टमेंट के हर एक काम में जब हमने टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया तो वो अल्टीमेटली पब्लिक फैसिलिटेशन का ज़रिया भी बना और वो हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन का ज़रिया भी बना। तो हमारे बाकी ऑफिसेज एक्साइज के प्रोविंसेस के मतलब वो उस तरह अभी वो काम अडॉप्ट नहीं कर सके हैं जो हमने पहले कर दिए, तो मैं यही है कि हम एक रोल मॉडल बन गए अल्लाह का शुक्र है काफ़ी उस लिहाज से क्योंकि हमने कामयाबी से टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराया। और टेक्नोलॉजी के इंडक्शन जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो निज़ाम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, स्पेशली पब्लिक डीलिंग ऑफिसेज में जो कि खतरात होते हैं करप्शन के, और तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांसपेरेंसी भी, और दूसरी बात ये है कि वो वाली जो आपकी पब्लिक फैसिलिटेशन है वो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स भी बन जाती है। ठीक है, और सर वैसे नॉर्मली एक लाइट नोट पे आपसे पूछूंगी कि आपकी मतलब अपनी चॉइसेस क्या है फूड में, ड्रेसिंग में, उसको ज़्यादा सीरियस लेते हैं या आप कहते हैं कि कुछ भी मिल जाए खा लूँगा, कुछ भी मिल जाए पहन लूँगा, तो इसमें ज़रा बताइए कि क्या आपका क्या माइंडसेट कैसा है इस हवाले से। हाँ जी, फूड में तो बीइंग पठान सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि नॉन स्पाइसी हो, ठीक है, हाँ, और दूसरा ये कि डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे चूँकि इनहेरिटेड होता है कि मटन वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है तो वो एक चीज़, लेकिन ये है कि जब से ये जिम और बाकी एक्टिविटी स्टार्ट की है तो ज़्यादातर वाइट मीट पे और वेजिटेबल और उस पर ही रहते हैं, ठीक है, और अब हमारे स्टोमिक जो है वो भी उसकी यूज़ टू हो गए हैं कि चिकन, फिश और ये वेजिटेबल और फ्रूट्स तो ज़्यादातर यही इंटेक है,
क्योंकि वो जिम का कंसर्न होता है कि हमने उसमें काम करना है, तो इस वजह से। ओके, और वैसे नॉर्मली सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिव हैं या नहीं है, या सोशल मीडिया की लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ है, कैसे देख रहे होते हैं जो मुल्क की सूरत हाल है, या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ इन है, उसमें इन्वॉल्व है या बिल्कुल जस्ट अपने काम पर फोकस करते हैं? सोशल मीडिया का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से। सपोज़ हमने एक इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे कि लोग पहले एक ई कचहरी का कंसेप्ट हम लेके आए, पहले लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुली कचहरी करते थे, अब हम उसको हमने शेप दे दी ई कचहरी में। हम रेगुलरली हर मंथ में ई कचहरी करते हैं जिसमें हम फेसबुक पे लाइव होते हैं और लोग अपने क्वेश्चंस आंसर सेशंस हमारा होता है और मौके पे ही लोगों के मसले हल कराते हैं। इसके बाद हमारे जितने रिफॉर्म्स होते हैं वो फेसबुक पे और ट्विटर पे हम एक्टिव हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं वो हम उस पर एक्टिव हैं, उस पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और चीफ कमिश्नर साहब भी बड़े एक्टिव हैं। कोई कंप्लेंट हमारे, चूँकि पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, किसी की ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स जो भी होते हैं वो उनकी तरफ से भी हमें फॉरवर्ड होते हैं और हम अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है हम अपने लिहाज से पब्लिक फैसिलिटेशन और उसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो इसको पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का क्या रिस्पांस होता है सोशल मीडिया पे? आप जब वहाँ पे लाइव सेशंस कर रहे होते हैं तो पब्लिक उसको कैसे रिस्पांस करती है? बहुत पॉजिटिव है पब्लिक का रिस्पांस, ठीक है। और बाज़ औक़ात जब आप मतलब इस तरह ऑफिस में बैठे होते हैं कमरों में तो आपको पता नहीं चलता कि पब्लिक के क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, पब्लिक को क्या चाहिए, ठीक है, आप किस तरह एक रिफॉर्म लेके आ सकते हैं जो कि उनकी कन्वीनियंस का बायस बन सकते हैं। तो वो जब हम ई कचहरी में जाते हैं तो वो हमारे वो पब्लिक के साथ वो गैप ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट हमें पता चलता है कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या हम बेहतरी ला सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपने रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर एक कंप्लेंट लेवल या जो है एक सजेशन एक लिमिट में तकरीबन लोगों की आ रही है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट हमें पॉजिटिवली हम रिसीव करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस हुआ है और मेरा पैगाम है बाकी ऑफिस तक भी कि अगर हम ये वाले सेशंस रख के स्पेशली जो पब्लिक डीलिंग ऑफिसेज हैं तो उसमें ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इंतजामिया का आवाम के साथ एक जो रबता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू करें। जी बिल्कुल, हमारे आपने देखे हैं डीसी साहब, हमारे चीफ कमिश्नर साहब भी बड़े एक्टिव हैं और जितने भी लोगों के इश्यूज़ हैं पूरे शहर के हवाले से, तो वो बजाय इसके कि वो लोगों को एड्रेस करें, अपने बताएं कि हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो सिंपल एक ट्वीट कर लेते हैं और लोग उस पर अपना रिस्पांस देते हैं और उसका फीडबैक जो है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करते हैं। ठीक है सर, ये तो अंदर हमने बैठकर डिस्कशन कर ली, लेकिन अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में बाहर भी जाएंगे और देखेंगे कि आई थिंक वन विंडो जो आपने पब्लिक की एक फैसिलिटेशन का एक ज़रिया बनाया हुआ है तो उस पर बात भी करेंगे, जाके देखते कि कैसे उसको डील किया जाता है, कैसे पब्लिक उसको यूज़ करती है। तो चलिए चल के देखते हैं बाहर। जी बिल्कुल, एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में हम मौजूद हैं, हम आउटडोर आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे भी इन्होंने लगाई हुई है। सर बताइएगा इसके बारे में, वन विंडो जो फैसिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि हम पब्लिक फैसिलिटेशन में जो है हम ये सारी टेक्नोलॉजी को और हमने इंडक्ट कराया है, फिर ये है कि बाज़ औक़ात जो बंदा यहाँ पर आ जाए तो किसी को क्लियर नहीं होता कि मेरा प्रोसीजर क्या है और मैंने कहाँ पर जाना है, उसके लिए हमने ये SOP ऑलरेडी दी हुई है जिसको एक आम एप्लीकेंट जो है वो बड़ा इजी है वो स्टडी कर सकता है कि सबसे पहले अगर वो यहाँ पे आए तो वो डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक रिसीट के साथ आए, ठीक है, फिर उसके बाद वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म एफ एंड फी चलान हम इशू कर देते हैं, फिर इधर ही वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हमारी फ़ीस जो है वो जमा हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसी हमारी टीम उसको फाइनल करके तो व्हीकल का ये एग्जामिन फिज़िकल वाय डिजिटल ऐप का अभी तक ये मैंने जिक्र नहीं आया, वो ये है कि गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग को इंश्योर कराने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और उस ऐप के ज़रिए गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग, उस ऐप का नाम है डिजिटल ऐप, हाँ डिजिटल ऐप, उसमें ये है कि मोबाइल के ज़रिए जो है वो गाड़ी की हम चेसिस की पिक्चर बनाते हैं और वो चेसिस का पिक्चर जो है वो जब डेटाबेस के साथ टच हो इंटीग्रेट हो जाता है तो तभी डेटाबेस से उसका प्रोसीजर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो उसमें भी हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन अब गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग के हवाले से भी नहीं रहे कि सिर्फ कागज़ों में गाड़ी चेक होगी, नहीं, गाड़ी हकीकी मानों में यहाँ पे चेक होती है और गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग जब से हमने स्टार्ट की हुई है
तो हमने उसमें कोई 300-350 स्टोलन गाड़ियाँ रिकवर की है। ठीक है, ठीक है। और उस ऐप के जो है क्या आवाम उस पर क्या कह रही है और क्या रिस्पांस आ रहा है? नहीं, उसमें तो आवाम का रिस्पांस ये है कि पहले अगर हमारे बंदे कोई गाड़ी को स्किप करते थे या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए सपोज़ अगर गाड़ी रिक्वायर्ड है और वो गाड़ी नहीं लेके आते थे, तो अब ये है कि गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग इंश्योर कराने के लिए उसमें हमारे इंस्पेक्टर का कोई किरदार नहीं है। वो वहाँ पे गाड़ी की तस्वीर जैसे ही बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में कनेक्ट हो जाता है और वो सिस्टम उससे ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम तर वो डिटेल है जो कि आम पब्लिक जो है वो इजीली इस तक रसाई हासिल कर सकती है कि कोई भी वो अपने गाड़ी की फिजिकल चेकिंग इंश्योर कराएं और यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन के जरिए आपको दिखा देते हैं। अच्छा, वो हम देख सकते हैं अभी हम जाके अंदर। ठीक है, चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग का जो सिस्टम है, वन विंडो ऑपरेशन जो इन्होंने अभी अपने टेन्योर में इंट्रोड्यूस कराया, वो भी तमाम तर तफसीलात देखेंगे। चलिए चल के देखते हैं अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ हम मौजूद हैं। वन विंडो ऑपरेशन की जो बात कर रहे थे उसके हवाले से हमें थोड़ा सा सर डिटेल में बताइएगा जो पब्लिक यहाँ। जी बिल्कुल, अब कोई भी एप्लीकेंट अगर यहाँ पे हमारे प्रेमिसेस में आ गया तो सबसे पहले क्यूमेटिक सिस्टम के ज़रिए वो अपना टोकन टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, जो वहाँ पे सीट आराम से बैठ के और सिंपल यहाँ से जिस काउंटर से उनकी बारी आएगी, ठीक है, तो उनका टोकन नंबर जो उनको मिलेगा वो अकॉर्डिंगली उनको बताया जाएगा कि आपने कौन से काउंटर पे जाना है और उस काउंटर पे वो गाड़ी का सारा काम जो है। ये वाला सेक्शन हमारा जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन का है और मैं आपको गारंटी वो सेक्शन है जो कि पहले यहाँ पे नहीं था, जो आपने अपने टेन्योर में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से 8-10 मिनट तक आप मैक्सिमम अपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। चले आज वो भी देखते थे, फिर उसके बाद हम सारा पब्लिक से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है वन विंडो ऑपरेशन के बारे में और पहले कैसे काम चला था और अब कैसे चल रहा है। तो चलिए चल के देख लेते हैं ऊपर। जिस तरह आपने नीचे चेक किया तो वो वाला हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का था, अब ये वाला जो है हमारा ट्रांसफर या पोस्ट रजिस्ट्रेशन जितनी भी एक्टिविटीज है उनके लिए है। सेम यहाँ पे क्यूमेटिक सिस्टम है, टोकन सिस्टम इशू होता है, जिस तरह ये अनाउंस हो रहा है कि किसी भी एप्लीकेंट की बारी जो है वो कौन से टोकन उस पे है, काउंटर पे है, और वो अकॉर्डिंगली अपने काउंटर पे जाके विद इन 5-10 मिनट्स तक मैक्सिमम उनका सारा काम हो जाता है। इस तरह ये वाले डेली बेसिस पे यहाँ पे ऐसा ही रश होता है, डेली बेसिस पे काम जो है वो इसी तरीके से हो रहा होता है। जी बिल्कुल, लेकिन आप देख लीजिएगा कि किसी को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और जैसे ही उनकी बारी आती है तो वो अपने ही काउंटर पे जाके वो गाड़ी का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, हो गया। तो यहाँ पे हम पब्लिक से भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, देखें। आई थिंक ये ठीक है, सबको टोकन मिलते हैं और लाइन बाय लाइन काम हो रहा है, तो इसमें मतलब अच्छा प्रोसेस है। आई थिंक ये काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। बिल्कुल, आवाम भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे उनके भी तासरात जानेंगे कि ये सारे जो रिफॉर्म्स यहाँ पे आए हैं, जो चेंजिंग्स आई है, उसके बाद उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा कि कैसे आपका काम हुआ यहाँ पे, जब आए तो कोई हर्डल कुछ फील किया? मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा मसला है, अगर प्रोसीजर को फॉलो करके लेके आएँ तो ये लोग कोऑपरेटिव भी हैं और काम भी सही टाइम पर और प्रोसीजर के मुताबिक कर रहे होते हैं। अगर कोई सहूलत से घर पर बैठ के करना जो इसके ऊपर तनकीद कर ले तो अलग बात है, अदरवाइज़ इनकी सर्विसेज काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं, काफ़ी बेहतर हैं। जी हाँ, मतलब क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, काफ़ी जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ता है, उसमें कुछ लेंथी हैं, कुछ चीज़ें इनको अपनी करनी चाहिए, जो अपने लेवल पे ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए, वो बेहतरी की गुंजाइश अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको स्टाफ तंग करता हो, तो ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है। चलिए ठीक है, ये एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी डिटेल में बात करेंगे। सर बताइएगा कि कैसे यहाँ पे आपका? जी ये अच्छी पहले से बेहतर सर्विस है इनकी। हाँ जी, कोई हर्डल नहीं है जी। मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं और जी पहले से काफ़ी बेहतर है जी।
चले ठीक है। अच्छा नाम जी बिल्कुल नाज़िम, प्रोग्राम इंतज़ामिया में आज हम मौजूद थे यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस इस्लामाबाद में। यहाँ पे हमने जो डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन थे बिलाल आज़म साहब, उनसे भी बात की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आपको आगाह किया, और पब्लिक से भी हमने बात की कि जो न्यू रिफॉर्म्स आई है, जो न्यू चेंजिंग्स यहाँ पर आई है, कैसा वो फील कर रहे हैं इसके बारे में, और कैसे डील किया जा रहा है, उनके तासुरात क्या है, क्या क्या मुश्किल और क्या क्या हर्डल्स, इन सब तमाम सूरत हाल से हमने आपको अपने प्रोग्राम इंतज़ामिया में आगाह किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान किरण समान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।